मध्य प्रदेश से एक युवक साइकिल उठाकर घर में बिना बताए देश को पर्यावरण बचाओ और योग अपनाओ का संदेश देने के लिए निकल पड़ा है। ये युवक देश के लिए इतना जज्बा रखता है कि वे 5 राज्यों से गुजरकर 2500 किलोमीटर तक का सफर तय कर हिमाचल पहुंचा है, जिसे खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। अगर कोई खाना कोई खिला भी देता है तो खा लेते हैं, वरना पानी पीकर ही गुजारा कर लेते हैं। साइकिल पर अपने बिछौना रख कर जहां शरीर थक जाए वहीं पर रात काट लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई इस यात्रा में उनके रास्ते में बाधा ना बने, इसके लिए उन्होंने अपने पास कोई मोबाइल भी नहीं रखा है। बस एक लक्ष्य है कि वे लोगों को पर्यावरण स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग भी उनसे प्रभावित हो सकें, उनके बताए रास्ते पर चल सकें, तो वे समझेंगे कि उनका लक्ष्य पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि देश में स्वतंत्रता से ज्यादा स्वच्छता बेहद आवश्यक है, यही संदेश वे देशवासियों को दे रहे हैं। मुकेश सेन ने कहा कि वे हिमाचल आकर बेहद खुश हैं, क्योंकि यहाँ स्वच्छता और हरियाली बेहद अधिक है। यहाँ सार्वजनिक शौचालय जगह जगह पर बने हैं और सभी शौचालय बेहद साफ हैं। उन्होंने कहा कि आज के युवा आधुनिकता की दौड़ में अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, योग के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। यही वजह है कि वे युवाओं को जागरूक करने के लिए इस अभियान पर निकल पड़े हैं। और मैंने यहाँ हिमाचल में थोड़ा सर्वे भी किया है। स्वच्छ भारत मिशन का एक ये भी है कि गांव, छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में भी गया हूँ। एकदम दिव्य लेटरिन बाथरूम बनी है, टाइल्स अच्छी है और सब लेटरिन बाथरूम में बैठते हैं। तो हिमाचल का भी धन्यवाद स्वच्छ भारत मिशन की तहत से, कि आज दुनिया बहुत अशांत है, बहुत बीमारियों से ग्रसित है। और प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि जो योग बता गए हैं, उससे आज भी मैं इधर हिमालय में जैसे ऋषिकेश के पास ऋषि मुनियों से मिला, उनके पास कुछ नहीं है, एक लंगोटी है, उनका माइंड सेट है। और हमारे पास सब कुछ है पर हमारा माइंड सेट नहीं है। तो इसलिए योग से जुड़े और निरामयम भारत अभियान जो हमने देश में निकाला है, तो उसके माध्यम से हम जल बचाओ, स्वच्छ भारत मिशन, पर्यावरण, ऐसे मुद्दे लेके हम देश में निकले हैं। थोड़ी संस्कृति से दूर हो गए, सभ्यता से दूर हो गए, मेघालय की शिक्षा आ गई है, हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति से भी हम दूर हो गए, इसलिए भी हमारे देश में थोड़ा नुकसान हुआ है। तो शिक्षा से ये चीज़ें जोड़ना चाहिए, पर्यावरण हुआ, स्वच्छ भारत मिशन हुआ, मतलब बचपन से बच्चों को ये शिक्षा देना चाहिए। पहली बात तो घर वाले आपको मालूम है ना, कोई घर वाला ऐसा बोलेगा कि आप देश के लिए, समाज के लिए समर्पित हो जाओ या जान दे दो, ऐसा तो कोई घर वाले माँ बाप कोई भेजेंगे नहीं। तो हमने 3 महीने तक तो घर वालों को बताया ही नहीं कि हम मिशन पे निकले हैं, गांव वालों को भी नहीं पता था 3 महीने तक। 3 महीने के बाद जब मीडिया और न्यूज़ में आया तो सबको पता चला। इधर पर्यटन आते भी हैं तो पेड़ पौधे मतलब पहाड़ी है इसलिए आते हैं, यहाँ जंगल साफ हो जाएगा तो कोई पर्यटन भी नहीं आएंगे। तो इसलिए ये हम जल, जंगल, ज़मीन बचाना हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है।